inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Alright guys, so guys this is Yash, welcome back with another video. So guys आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी KTM के ऊपर होने वाली है, बिकॉज आज की जो वीडियो है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। वो है हमारे पास KTM और वो है हमारी 250cc। सो चलो चलते हैं बाइक की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को कौन सी बाइक है। और देखो ये मेरे सामने बाइक है, इसका आज हम पूरा रिव्यू देने वाले हैं कि ये ऑन रोड कितने की है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर कोई 2020 में या 22 में, जिन्होंने 20 में लिए या जो लोग 22 में भी लेना चाह रहे हैं, सो उनको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी होनी चाहिए, जो भी चीज़ें सारी आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। सो जल्दी से चलते हैं फीचर की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और लुक वाइज भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है हमारी बाइक। सो चलो जल्दी से चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको। सो गाइस देखो बाइक का इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा आप लोगों को। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लुक से। सो लुक देख सकते हो भाई, आगे का इसका एग्रेसिव लुक है, बिल्कुल जैसे हमारा MT का है। MT से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, फार बेटर है। और धीरे धीरे आगे चलते हैं। सो देखो बॉडी की बात करें, सो देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बाइक लग रही है हमारी। लग नहीं रहा है ये 250cc, ऐसा लग रहा है 500cc बाइक है या फिर 600cc बाइक है। सो चलो इसकी आगे चीज़ें दिखाए तो आप लोगों को। हाँ सो हम बात कर रहे थे हमारे मीटर की। मीटर मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा, इसका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बट ठीक है। और उसके बाद हम लोग दिखाते हैं, ये हमारे कंपनी की तरफ से फिटेड आते हैं तो इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि MT में लगाना पड़ता है या अदर बाइक्स में लगाना पड़ता है, तो उस KTM में ऑलरेडी फिटेड आते हैं। सो देखो हम बात करें तो लुक की, तो देखो यार फ्रंट लुक इसका देखो कितना खतरनाक लग रहा है यार। फ्रंट लुक हमारा दिखा रहा था आप लोगों को। मैं बात कर रहा था इसकी, जो कि हमारे से पहले से ही मार्केटिंग फिटेड आते हैं, हमारे कंपनी की तरफ से फिटेड है। और धीरे धीरे आप लोगों को चलते हैं। सो देखो टैंक साइज़ देख सकते हो आप इसका। आई थिंक 12 लीटर है टैंक साइज़ शायद, हाँ इतना ही है। और मीटर देख सकते हो, मीटर में कुछ ऐसा रहेगा। मीटर में ज़्यादा कुछ मुझे खास नहीं लगा। बाकी बात करें हमारे इंडिकेटर की, तो वही मार्केट फिटेड अच्छे लगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने की इसको। और सीट कवर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर कोई चला रहा है 3 बैठ के चलाओगे दिक्कत नहीं है, बट मेन दिक्कत आएगी इसकी आपको यहाँ पर, बिकॉज अगर कोई तीसरा बैठता है यहाँ पर तो इसके ऊपर थोड़ा वेट पड़ेगा। बिकॉज देख सकते हो इसका पूरा यहाँ से आता है यार, पूरा इसका कांच का बना हुआ है, जिससे कि अगर ये टूटते काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम खरीद नहीं पाएंगे इसको नॉर्मली लोग। और पीछे से देख सकते हो तो ये हमने टेल टाइट लगवा रखी है, जिससे कि हमारी बाइक थोड़ी उठी उठी लगेगी और टेल टाइट लगवाने का ये फ़ायदा रहेगा। सो देख सकते हो आप लोग हमारा एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट है और ये कैथलिक इन्वर्टर के साथ है, इसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बैंड पाइप चाहिए। बैंड पाइप के थ्रू आप लोगों का अगर लगवाना चाह रहे हो एग्जॉस्ट तो वो भी लग सकता है। बाकी बात करें इसकी एक्स्ट्रा मार्केटिंग की, देखो तो एक्स्ट्रा फिटिंग क्या क्या करा रखी है। एक ये करा रखे हैं, फुट रेस्ट करा रखे हैं, और ये हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि जो KTM है उसके अंदर लगे सिर्फ आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा। और ये देख सकते हो स्लाइडर है, अगर बाइक गिरती है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इस चीज़ की करती है। बिकॉज हम लोग देख सकते हैं ना यहाँ पर, देखो इसका रेडिएटर। सो रेडिएटर के लिए हम लोगों ने, अगर जो कोई ले रहा है KTM, सो देख सकते हो रेडिएटर गार्ड भी लगवा रखा है। ये गाइस बहुत ज़रूरी है लगाने के लिए, बिकॉज अगर आप लोग बाहर जा रहे हो, किसी लंबी ट्रिप पे जा रहे हो या कोई ऐसे ऑफ रोडिंग राइड कर रहे हो, तो उसमें क्या है ना बहुत ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि अगर इसमें एक भी कंकड़ लगा तो रेडिएटर गार्ड फूकने का डर रहता है। सो इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर ये लगवाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी बाइक सेफ़ नहीं रहेगी अगर कहीं भी आप गिरते हो। सो ये प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन देंगे। बाकी बात करते हैं इसकी टायर साइज़ की। सो इसका फ्रंट जो है एज़ यू नो 110 है, और अगर बैक की तरफ जाते हैं तो हमारा 150 में लगा आप लोगों को, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे आप। सो गाइस बात कर ले इस साइड की, तो देखो यार इस साइड से भी बंदे ने सेम काम करा रखा है भाई ने मेरे। ये प्रॉपर हमारे स्लाइडर लगवा रखे हैं, प्रोटेक्शन के लिए गार्ड लगवा रखा है प्रॉपर। और ये देख सकते हो एक्स्ट्रा मार्केटिंग ये लगवा रखा है, एक ये है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करा रखी है अपनी बाइक में यार। 3 लाख रुपये का 2.5 लाख कोई खर्च कर रहा है, सो अपनी बाइक का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और बात करें तो ये 30 bhp है, और अगर 2.5 लाख रुपये में 30 bhp मिल रही है, जबकि RR 310 जो है वो हमारे 3 के करीब की है, वो 34 bhp है और ये 30 bhp है। तो अगर इसका पिकअप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बात करें हम लोग लुक वाइज की, तो देखो यार क्या खतरनाक एग्रेशन लुक दे रही है। ये प्रॉपर इसके LED लगे हुए हैं, हेलोजन लगे हुए हैं इसमें। और बात करें आप लोगों को, तो देखो यार मेन चीज़ मैं आपको ये बता रहा था, जो भी कोई बाइक ले रहा है प्रॉपर आप लोगों को लगवाना चाहिए, क्या वो KTM हो के कोई भी हो, रेडिएटर गार्ड बहुत ज़रूरी है। देखो एक चीज़ मुझे ना जो बाइक की सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, जो मेरा भाई है उसने पता है क्या कर रखा है। देखो प्रॉपर KTM के बैजेस के साथ सारी चीज़ें लगा रखी हैं, एक्स्ट्रा मार्केटिंग, चाहे वो ये हो या फिर आप लोग बात करें हमारी इसकी, तो प्रॉपर मैचिंग का लगवा रखा है, ये देख सकते हो प्रॉपर। और थोड़ा अगर हम डीप चलें तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाली नहीं है, बट जो करना चाहे अगर वो बाइक राइडर है, देखो प्रॉपर KTM के बैचेस हैं, ये देख सकते हो ये रहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ है बट इसमें फ़र्क पड़ता है यार। अगर एक आप प्रोफेशनल अगर आप राइडर हो, आप बाइक को अगर डीपली चलाना चाह रहे हो, डीपली इसकी अगर आप लोग कोई चीज़ सर्विस करा रहे हो या जो भी चीज़ एक्स्ट्रा मार्केटिंग करा रहे हो। रही बात एग्जॉस्ट की, तो चलो मैं इसकी एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ। सो मेन और एक चीज़ हो यार, हमारी बाइक की देख सकते हो ये भी प्रॉपर KTM के बैचेस के साथ है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काफ़ी ज़्यादा कूल लगती हैं। सो चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। देखो एक KTM का बैचेस ये भी है, ये एक्स्ट्रा मार्केटिंग ला रखे हैं। सो इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मार्केटिंग भी है, जो जो चीज़ मैंने आपको बता दी है। एग्जॉस्ट है इसमें, छोटे छोटे स्लाइडर हैं, प्रोटेक्शन गार्ड है, स्लाइडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडिएटर गार्ड है। सो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मार्केटिंग ला रखी है, जो कि हर बंदे को लगवाना चाहिए जिसके पास एक्सपेंसिव बाइक है। अगर 2-3 लाख रुपये हम खर्च कर रहे हैं, सो 10-15 हज़ार के लिए कोई दिक्कत नहीं, लगवा सकते हो, बिकॉज आपकी बाइक को प्रोटेक्शन देंगे। तो चलते हैं इसकी अभी साउंड की क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है। अभी देखो मैं इसकी साउंड क्वालिटी दिखाने वाला आप लोगों को, क्योंकि जो हमने Akrapovic का एग्जॉस्ट लगाया है तो हम लोग ये ध्यान रख के लगवाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लाउड ना हो, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम आए। तो उसकी आपको दिखाता हूँ लाउड कितना है। नॉर्मली बाइक है और आप लोगों को टोटल देकर दिखा दो थोड़ा। तो ज़्यादा लग नहीं रहा कि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगवा रखा है। अगर कोई ट्यूब वाला पकड़ भी लेगा ना, वो जल्दी से नोटिस भी नहीं करेगा, ना ही कुछ पकड़ेगा नहीं। पहली बात तो आपको कहीं से कहीं तक भी नहीं पकड़ सकता। इसकी जो साउंड है बहुत ही कम है, बहुत कम। बाकी चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था, आप लोगों को चला के दिखा दिया है। इस बाइक की जो पावर है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम लोग एज़ कम्पेयर टू 310 RR 310 की बात करें तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे सकते हैं, बिकॉज उसका टॉप एंड बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली चला के देखे। वेट की बात करें तो बहुत ही कम वेट है, ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। बात करें बॉडी की तो यार वही हमारा फाइबर है, क्योंकि हर लगता है हर किसी में, ज़्यादा प्रोटेक्शन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो अगर आप लोग बाइक लेना चाह रहे हो, डिसएडवांटेज एक ही चीज़ बताऊँगा इसका, मीटर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। बट अगर आप इसको मॉडिफिकेशन में जाते हो सो आप लोग इसमें 390 का भी लगवा सकते हो अगर आप जाते हो तो। बट एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बताऊं जिसका 2.5 लाख का बजट है, अगर उसको एक सुपर बाइक चाहिए, जो कि आप लोग बात करें लद्दाख की या फिर बड़े बड़े राइडिंग की, जहां पर आप लोग जाना चाहें, तो इस बाइक के साथ आप जा सकते हो। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस करा के जाओगे कहीं से कहीं तक मारने खाएगी। और लाइट वेट है, कम्फर्टेबल है, लुक वाइज अच्छी है। बट अगर आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाते हो ना तो आप ही का बेनिफिट है। साइड में दिखा दो भाई, क्योंकि देखो साइड लुक देखो, एक्स्ट्रा लगवाने के बाद इसका साइड लुक देखो यार, काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है इस लोग। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यहाँ था ये कि आप लोगों को एक फुल रिव्यू देना है इसका, कि इस चीज़ में अगर आप जा रहे हो KTM की तरफ तो 250 सीसी में क्यों जाओ आप लोग। और रही बात आपकी, अगर आप उसको मॉडिफिकेशन चाहिए आप लोगों को, सो नेक्स्ट वीडियो जो है कमेंट कर देना अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए। इस बाइक में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप लोगों को देख के लगे कि हाँ ये भी अपनी बाइक पर कुछ हो सकता है, और वो भी कम प्राइस में, बिकॉज हम लोग जो भी चीज़ करते हैं बजट के अकॉर्डिंग करते हैं। Akrapovic का एग्जॉस्ट है, अगर हमने इसे लगा रखा है। पहली बात तो मैं देखो, आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं कम लगाता हूँ कम बजट में, ताकि लाउड भी कम रहे और आप लोगों का नुकसान भी ना हो। सो ये वीडियो जो है एग्जॉस्ट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हल्का है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। सो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही यार। मैं इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू दे दिया है। अगर एग्जॉस्ट लगा रहे हो कैसा आएगा, प्राइस की बात कर ले तो 2.5 लाख रुपए की है। वो डिपेंड करता है दिल्ली से ले रहे हो या आप लोग उत्तराखंड से ले रहे हो या देहरादून से ले रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हो आप लोग। वो डिपेंड करता है आप लोगों का कि कहाँ से ले रहे हो, उसके हिसाब से प्राइस 10-15 हज़ार रुपये या 5-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना मत भूलना यार, कि कमेंट करके बता देना कुछ भी गलती लगी हो आप लोगों को, या जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग कुछ चाहिए हो हमसे, मोटिवेशन चाहिए हो। सो गाइस ये वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।